आज की इस वीडियो में देखेंगे कि चेफ टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरर कौन है और ये चेफ टेक्नोलॉजी होती क्या है और चेफ और फ्लेयर में क्या अंतर होता है और जो 3 वेरिएंट्स चेफ के डीआरडीओ ने बनाए हैं वो कौन से हैं। तो एक स्टेप और इंडिया आत्मनिर्भर में आगे बढ़ रहा है और इस बार इन्होंने डेवलप किया है चेफ टेक्नोलॉजी को। तो इसे डेवलप किया है डिफेंस लेबोरेटरी ऑफ जोधपुर ने। अभी कुछ महीने पहले ही चेफ टेक्नोलॉजी का जो है अरेबियन सी में इंडियन वारशिप जो है उनपे टेस्ट किया गया था और वो सक्सेसफुल रहा, उसकी वजह से उन्हें प्रोडक्शन के लिए भी दे दिया गया था। अब जो है एयरफोर्स के लिए भी जो है चेफ टेक्नोलॉजी को बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चेफ टेक्नोलॉजी कुछ नया है, ऑलरेडी हम इसको यूज कर रहे थे अपने वारशिप में और फाइटर जेट्स में, लेकिन जो वो सारे जो चेफ टेक्नोलॉजी थी वो हम इम्पोर्ट करते थे, लेकिन इस बार जो है हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे चेफ टेक्नोलॉजी का और अब हम दूसरे कंट्री को भी बेच सकते हैं। ऑलरेडी हम 2012 में कवच डिकॉय सिस्टम हम बना चुके हैं। कवच डिकॉय सिस्टम जो है वो यूज होता है इस चेफ को फेंकने के लिए या लॉन्च करने के लिए। कवच समझ लीजिए एक बंदूक है और चेफ जो है उसकी गोली है। तो यही रिलेशन है दोनों के बीच में। आपने मूवीज में देखा होगा किसी भी एयरक्राफ्ट पे जब कोई टारगेट लॉक करता है और मिसाइल उस पे जब दागता है तो उससे बचने के लिए लोग फ्लेयर का यूज करते हैं जिसमें काफी सारी लाइटें होती हैं और वो साइड साइड से निकलती रहती हैं और वो जो मिसाइल आ रही है उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो इसी सिस्टम पे चेफ भी वर्क करता है, लेकिन थोड़ा जो है चेफ जो है वो डिफरेंट है फ्लेयर से। अब देखते हैं कि चेफ और फ्लेयर में क्या डिफरेंस होता है। दोनों जो है एक डिफेंसिव काउंटर मेजर है, हम दोनों का यूज करते हैं किसी भी एक लॉक्ड मिसाइल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जो बेसिक डिफरेंस है फ्लेयर और चेफ में, तो फ्लेयर जो है उन मिसाइलों के लिए यूज किया जाता है जो मिसाइलें वर्क करती हैं थर्मल सेंसिंग के थ्रू। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके पीछे दो बड़े इंजन लगे होते हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जो थर्मल मिसाइल होती हैं उनका काम होता है उसी हीट सिग्नेचर को पकड़कर और वहीं पे हिट करने का। लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसे भी होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं रडार पे, वो थर्मल सेंसिंग नहीं करती, इसलिए आप फ्लेयर से उन्हें डिसएंगेज नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए फिर हमें दूसरा यूज करना पड़ता है जिसका नाम है चेफ। तो ये चेफ टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है? तो चेफ टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रडार कैसे वर्क करता है। तो ऐसी मिसाइल जो कि रडार सिस्टम पे बेस्ड होती हैं वो एयर में लगातार जो है अपने सिग्नल को जो रेडियो वेव होती है उसको हमेशा सेंड करती रहती हैं और कहाँ से जो है वो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां पे वो उसका टारगेट बना लेती हैं और उसी के हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है और वो उसी टारगेट पे लॉक करके रखती है। अगर वो टारगेट थोड़ा भी मूव भी करता है तो मिसाइल अपने आप जो है वो मूव करके फिर से वो टारगेट पे लॉक होकर फिर से शूट हो जाती है। इनको रोकने के लिए चेफ को बनाया गया है। अब चेफ कैसे रोकता है? चेफ के अंदर अल्मोनियम या फिर जिंक कोटेड फाइबर्स होते हैं जो कि एयर में उनको फैला दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है जो रडार जो आ रहा है वो बीच में ही लड़ना शुरू कर देता है और वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक करने लगता है। यही जो है सिप है और टारगेट जो है वो पोजीशन चेंज कर दिया है, इसलिए जो मिसाइल होती है वो जाकर उस चेफ पर हिट कर देती है और वारशिप जो होता है वो बच जाता है। तो इस तरह जो है ये चेफ टेक्नोलॉजी वर्क करती है। इंडिया ने इस तरह के 3 वेरिएंट बनाए हैं रॉकेट के। पहला है शॉर्ट रेंज, दूसरा है मीडियम रेंज और तीसरा है लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज जो है वो 1 से 2 किलोमीटर उसकी रेंज है, मीडियम रेंज जो है लगभग 5 किलोमीटर उसकी रेंज है और जो लॉन्ग रेंज है वो लगभग 12 किलोमीटर उसकी रेंज है। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया इसका मतलब आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियोज बनाते रहते हैं एयरोस्पेस और डिफेंस रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।